अलीबाग वाले मामले में एक गड़बड़ है। पता नहीं कैसे सब लोगों को उसकी हवा लग गई है, कमिश्नर तक को। जीनत बेन, आप जरा भी फिक्र मत करो, आपका माल आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा। नमस्ते अम्मा। इधर गायब है तुम लड़का लोग, फैजल भी नजर नहीं आता। मैं वो काम पे लग गया ना। चलो अच्छा है, दुकान पे उसका दिल लग गया। दुकान नहीं अम्मा, अब फैजल दुकान पे बैठता ही नहीं। या? अम्मा को तो कोई नहीं बताया। वही तो हम बताने आए हैं अम्मा। फैजल अब हैदर भाई के साथ काम करते हैं। ये शहर बदल गया है हैदर भाई। जी आप आए, शहर भी बदल चुका है और शहर के साथ साथ आप भी बदल चुकी है। नहीं, मैं तो अंदर से वैसे ही छू। आपा लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तो मुझे अन्ना की याद आती है। अल्लाह का शुक्र है हैदर भाई, जैसे अन्ना और आप मिलकर काम करते थे, क्यों ना आप और हम मिल जाएं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं इस शहर में 15 साल बाद आया हूं और इस शहर को वापस समझने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं आपा, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि हैदर काजी ने आज तक जो भी किया है अपने बलबूते पे किया है। आज अगर मैं आपकी मदद लेता हूं तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा, और मैं अच्छी तरह जानता हूं आपा कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। मगर हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे हैदर भाई। मुझे माफ कर दे फैजल, जो मैंने तुझ पे शक किया। मुझे पता चल चुका है कि तेरा गजाला का कोई चक्कर नहीं है। अब मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगी, मैं तुझसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। राज्य बिजली बोर्ड, मैं दयाल बोल। अरे सीहत जी, आपने कैसे याद किया? अरे जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, पूरी नजर है जीनत जी, पूरी नजर है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ उन्हें भी संभाल लूंगा।
हुजूर, ये माल तो नकली है। सोना नकली निकला है। कौन? फैजल, तुमने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत है। 6 की 6 गाड़ियों का एक ही नंबर है। हमारे साथ धोखा हुआ है नारायण, और ये ठीक नहीं हुआ। बड़े इज्जत से बेइज्जती की है सहदर ने, लेकिन दयाल को मैं देखता हूं, उसने तो बहुत कुर्सी लेके चिपकने आया था, सार सोना आ रहा है, लेकिन ये असली सोना गया कहां? दयाल, आशीर्वाद दीजिए ना। ये तुमने बहुत गलत किया बाकी, बहुत गलत किया। मैंने वही किया जो मेरा दिल को सही लगा। ये लड़का मेरा सरस्वती के लिए एकदम सही। तुम मेरे को जिद्दी बोलता है, और तुम क्या है? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम अम्मा के हाथ का कठपुतली नहीं है, तुमने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दिया। ये लड़का अपनी सरस्वती के लिए सही नहीं है। बस बुआ, अतुल अब मेरे पति है, और इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। और बुआ, अगर आपको हमारा रहना यहाँ पर पसंद नहीं है तो हम चले जाते हैं। अगर इस तरह हमारी बेइज्जती मत कीजिए। जाते हैं बुआ, चलो अतुल। सरस्वती, ये माँ, जिस घर में हमारी इज्जत नहीं वहां आप नहीं रहेंगे। ए मामू, कोई आया क्या अपुन के लिए? अम्मा के यहाँ से या हैदर भाई के यहाँ से या अपुन का कोई पंटर लोग? कोई नहीं आया रे, एक घंटे से पूछ रहा है। तू क्या बहुत बड़ा आदमी है? बनने का है, अच्छे से देख के पहचान ले। आज के बाद अपुन की शक्ल यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। हाँ, गवर्नर बनेगा बड़ा। तू नहीं समझेगा मामू। मतलब वो अगर वो कामयाब हो जाता तो? नहीं भाई, अभी उसको कुछ दिन और बंद रहने दो, नहीं तो हर चीज उसके लिए मजाक हो जाएगी, और उसकी ये गलत फहमी दूर होना जरूरी है। वक्त सब कुछ सिखा देता है। कभी कभी बच्चे को दौड़ता हुआ देखने के लिए उसको ठोकर भी खाने देना चाहिए। क्या सोचती हो जीनत बहन? क्या चाहिए तुमको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें देने आई हूँ मेरी बेटी गजाला। तुम उसे इस घर में बहू बना के रखो। तुम्हारा मुंह बोला बेटा फैजल, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। जीनत बहन, आज तुम्हें फैजल को तेरे दिलो दिमाग से निकाल के रहूंगी। परसों पहले तू मेरे सौहर को मेरे से छीनना चाहती थी, आज मेरे बेटे को छीनने आई है। एक बात याद रखना जीनत शेख, वक्त अच्छे अच्छों को तोड़ देता है।